गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 6 पाठ 2। आज हम पढ़ेंगे निखिल की सूझबूझ के बारे में। एक छोटा सा बच्चा है और कितनी साल का है वो? 12 साल का है। उसकी सूझबूझ यानी सोचने समझने की जो शक्ति है उसके बारे में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। यानी व्यक्ति में यदि साहस, साहस का अर्थ बताया हिम्मत, हिम्मत व समझदारी यानी सोचने समझने की जो शक्ति है, व्यक्ति में यदि साहस, हिम्मत और सोचने समझने की शक्ति है तो वह किसी भी कठिनाई का सामना सफलतापूर्वक यानी आसानी से कर सकता है, चाहे वह छोटा बच्चा ही क्यों न हो। ऐसे ही दो साहसी बच्चे हैं। दो साहसी बच्चे इस पाठ में बताएं, एक निखिल है और एक निकिता, दोनों बहन भाई हैं। आज हम उसकी कहानी पढ़ेंगे। अपराधी अपहरण कर लेते हैं, अपराधी यानी उसका अपहरण करके ले जाते हैं। आइए हम दोनों बच्चों के बारे में साहस व सूझबूझ से अपहरणकर्ताओं से मुक्ति कैसे दिलाते हैं। क्या कहते हैं कि खबर कैसे दी जाए कि लंबे बालों वाला पतला लंबा व्यक्ति बोला है कि टेलीफोन करते हैं और कहते हैं उसका साथी बोल रहा है, इस बार टेलीफोन नहीं करेंगे, यह उन सबका मुखिया सबसे बड़ा आदमी है। और फिर लास्ट बार चौथा आदमी उसका साथी उससे पूछ रहा है कि पिछली बार की तो यह बात याद करोगे तो इसी टेलीफोन के कारण पुलिस को सब पता चल जाएगा, मुखिया ने ये बात बताई है। तो फिर उसने क्या कहा कि इस बार तीनों एक साथ बोलेंगे, हम अलग अलग नहीं बोलेंगे। फिर इस बार हम फिरौती के लिए चिट्ठी भेजेंगे यानी रकम के लिए, मुखिया ने सुझाव दे दिया जिसे बाकी साथियों ने भी स्वीकार कर लिया। और पूरे 48 घंटे बीत चुके हैं और शहर के जो जाने माने जो डॉक्टर हैं दीपक प्रकाश, उसके बच्चे हैं दो, निकिता और निखिल, दोनों गुम हो गए हैं। और ये सूचना पूरे अखबार और टीवी चैनलों में आ गई है। पुलिस प्रशासन है वो पूरी सतर्कता के साथ यानी सावधानी से बच्चों को ढूंढने में लगी है, पर अभी तक कोई सुराग नहीं मिल रहा है। और अपहरण करता है वो पैसे रकम वसूलने के लिए अभी तक कोई भी संदेश भी उसको नहीं दे रहे हैं, न कोई खत दे रहे हैं, न कोई फ़ोन है उसके पास। और जो परिवार वाले लोग हैं, निखिल और निकिता के जो परिवार वाले लोग हैं, वो काफ़ी चिंतित हैं यानी चिंता में हैं। उधर 12 वर्षीय निखिल है। कितनी साल का है निखिल? 12 साल का है। और निकिता वो कितने साल की है? 8 साल की है। निकिता घर से दूर उन चारों अपहरणकर्ताओं के साथ दहशत के साए में पूरे 2 दिन बिता चुके थे। अपहरणकर्ता यानी अपहरण करने वाले जो लोग हैं उसके साथ में, शुरू में तो निखिल एकदम सकते की हालत यानी वो नाराज हो गया था। और फिर निकिता है धारो धार यानी लगातार वो रोती रही है। इधर कुछ समय से निखिल ने बड़ा होने की यानी निखिल बड़ा है और निकिता छोटी है, बड़ा होने की वजह से न केवल अपने आप को संभालता है बल्कि अपनी जो बहन है छोटी निकिता उसको भी वो ढाढ़स यानी धीरज बंधा रहा है। छोटी सी ये काली कोठरी है, ये देखो इसमें दोनों बहन भाई बंद हो गए हैं, बंद कर दिया गया है अपहरणकर्ताओं ने। आखिर कौन सी जगह है अब ये भी नहीं पता है, तो बस इतना पता लगा लेते हैं लोग हैं वो पैसे के लालच में आकर उसको उठा के ले गए। शुरू से तो वे लोग पैसा वसूलने की अपनी योजना यानी तरकीब भी बना रहे हैं, पर इस बार शाम को पत्र भेजकर फिरौती यानी रकम की मांग वाली योजना यानी तरकीब वो भी बना रहे हैं। ये बात सुनकर निखिल को विश्वास हो गया कि ये तो पैसों के लालच में उठा के लेके आए हैं। और फिर फिरौती की रकम के लिए चिट्ठी अवश्य पहुंच जाएगी। संकट के समय धैर्य खोकर घबरा जाने से नहीं बल्कि सूझबूझ के साथ उसका हल ढूंढकर ही उसे पार पाया जा सकता है। देखो वॉल्यूम 2 में निखिल की सूझबूझ में क्या बताया है कि एक अधेड़बुन यानी सोच विचार करने वाला, एक काफी समय से यानी काफी समय टाइम बीत चुका है उसको, पर निखिल जानता ये नहीं है कि उसने जो समय बेकार नहीं गवाया। इस बीच उसने अपनी मुक्ति के लिए जो योजना सोची थी उस पर अमल करने की अब कोई जल्दी नहीं है। फिर क्या किया है कि अरे ये क्या किया भैया, उसे नोट फाड़ते देख लिया है। यानी निखिल अब अपनी नेकर की जो जेब है उसमें से 10 रुपये का नोट निकालता है और उस नोट को वो दो जगह कर देता है, फाड़ देता है। फिर उसने निकिता ने बोला कि भैया तू क्या कर रहा है, तो निखिल क्या बोल रहा है कि तू आवाज़ मत कर, शायद कुछ ऊंची हो गई थी उसकी आवाज़ है, वो जोर से बोल रही है। वो
इसलिए निखिल ने फुर्ती के साथ होठों पर अंगुली रखकर उसे चुप रहने का संकेत किया, यानी इशारा किया कि तू देखती चल, अभी बोल मत, और देखो जब मैं इशारा करूं तो खूब जोर जोर से रोने लगना। निखिल ने क्या बताया निकिता को कि जब भी मैं इशारा करूं तो तू जोर जोर से रोने लगना, चुप मत होना, पर हाँ मेरे चुप कराते ही एकदम चुप हो जाना। निकिता ने हामी भर ली और जो योजना बताई वो ही की उसने। इसी बीच दोपहर के खाने का जो समय हुआ, अब कोठरी के जो किवाड़ हैं वो खुलेंगे, फिर रोज़ की तरह उनके आगे थाली सरका दी जाएगी। थाली में जो होगा वह भी उन्हें पता था कि क्या लेके आएंगे वो। एक प्लेट में 4 रोटी, दाल और थोड़े से चावलों पर रखे प्याज के कुछ टुकड़े। बस इस बार जैसे ही थाली रखकर कोठरी का दरवाज़ा वापस बंद हुआ तो निखिल ने फुर्ती से कागज़ की एक पतली पट्टी पर चावल के कुछ दाने रगड़कर फटे हुए नोड को उसे जोड़ दिया और इसके बाद प्याज को कुचलकर उसका रस निकाला। फिर कोठरी के कूड़े कबाड़े में माचिस की पुरानी तीली ढूंढकर उसके सारे नोट के सफ़ेद भाग पर उस रस से कुछ लिखा और नोट को सूखने के लिए रख दिया। काफ़ी समय बीत गया और कोठरी से खाने पीने के साथ की जाने वाली चकचक की आवाज़ आती रही और फिर कुछ देर के लिए शांति छा गई। अंधेरा होने से थोड़ा पहले चारों अपहरणकर्ताओं ने बैठकर निखिल से अपने माँ बाप के नाम पत्र लिखवाया, जिसे निखिल ने लिख दिया और उसके बदले, दोनों बच्चों के बदले क्या मांगा, अपहरणकर्ताओं ने 15 लाख रुपये मांगे। तो जब कोई बदमाश उससे रोने का कारण पूछता या चुप हो जाने को कहता, वह उतनी ही निकिता वो जोर जोर से रोने लग जाती। फिर उसने बताया कि ये जो 10 का नोट है, निखिल बोल रहा है कि ये निकिता की जो सहेली मीता है उससे लिया था और आज शाम को लौटाना है। तो अगर आज शाम तक मीता को रुपये नहीं मिले तो उसके पिता उसे पीटेंगे, इसलिए निकिता चाहती कि हमारे घर पत्र भेजते समय आप लोग 10 रुपये का ये नोट भी साथ में रख दे और पत्र में लिख दे कि इसे मीता को दे दिया जाए। दोनों बच्चे तेज थे तो निखिल ने उस 10 रुपये के नोट के ऊपर अपना पता बता दिया कि हम यहाँ हैं और इस काली कोठरी में बंद कर दिया गया हमें। बदमाशों ने इस बात में कोई आपत्ति नहीं की। तब निखिल के कहने पर निकिता ने रोना बंद कर दिया और फिरौती का पत्र, यानी रकम का जो पत्र है, जुड़े नोट के साथ सवेरे सवेरे डॉक्टर साहब यानी दीपक प्रकाश की कोठी में बरामदे तक पहुंच गया। आश्रय यानी चंबा उसी दिन शाम होते होते चारों अपराधी पुलिस के शिकंजे में फंस गए। चारों को पकड़ लिया और बच्चों को सकुशल छोड़ दिया। दोनों बच्चे जब घर पहुंचे तो वहां उत्सव यानी खुशी का माहौल हो गया। उनकी रिहाई की खबर न केवल घर यानी बल्कि पूरे शहर में फैल गई, टीवी चैनलों के माध्यम से पूरे देश में फैल चुकी। सब लोग हैं इस घटना का रहस्य जानने को उत्सुक थे। अभियान का नेतृत्व कर रहे पुलिस अधिकारी देव प्रताप ने पूरी घटना पर प्रकाश डालते हुए बताया, हमारी सफलता में निखिल की प्रमुख भूमिका रही है। और सहपाठी यानी उसके साथ पढ़ने वाला जो गुरमीत है उसे प्यार से मित नाम से पुकारते हैं और पत्र के साथ अपने नाम के बिगड़े रूप के उल्लेख के बावजूद तीव्र बुद्धि मित समझ गया था कि उसके लिए निखिल ने कोई गुप्त संदेश अवश्य भेजा है। हम दोनों मिलकर विज्ञान के छोटे छोटे प्रयोग किया करते थे, निखिल और गुरमीत दोनों, और विभिन्न द्रव यानी तरल ठोस रसायनों द्वारा गुप्त संदेश लिखकर भेजना भी उन्हीं प्रयोगों में शामिल था। इसलिए मुझे शक हुआ। मैंने जब आंच के ऊपर रखकर नोट को हल्की सी गर्मी दी तो नोट पर लिखा यह संदेश स्पष्ट उभर आया, बिरजू ने हमारा अपहरण किया है। किसने किया? बिरजू ने। बिरजू है वो उसके घर का पुराना नौकर है। तो बच्चे उससे हिले मिले भी थे, जान पहचानने लगे, स्कूल से उसके साथ उसके बुलाने पर ही इसी आधार पर चले गए थे। नोट की सुराग से पुलिस ने सबसे पहले उसको घेर लिया तरीके से, यानी फिर अपने तरीके से पूछताछ कर उन सारे ठिकानों की घेराबंदी कर डाली जहाँ जहाँ उसके उन चारों अपराधी साथियों की छिपने के ठिकाने हो सकते हैं वहीं पर भी। उसके बाद जो सफलता मिली वह आपके सामने है। डॉक्टर दीपक प्रकाश भाव विह्वल होकर यानी बाहों के कारण बेचैन होने के कारण जीवन में ज्ञान विज्ञान और जागरूकता का कितना महत्व होता है यानी सावधानी का। आज की इस घटना से ये बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, निखिल और गुरमीत ने जिस बड़े हादसे को अपनी सूझबूझ से टाला
उसे बहुत ही गर्व है यानी गौरव है। अब देखो आगे क्या बताया इसमें, बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी आसानी से पार किया जा सकता है, जैसे निखिल ने किया है, मेरे विद्यालय के इन दोनों छात्रों ने ये दिखा भी दिया कि विज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में परिस्थितियों के अनुसार यदि अपनी सूझबूझ यानी अपने दिमाग से सोचने समझने की जो शक्ति है उससे कैसे काम में ले सकते हैं। बड़ी से बड़ी मुसीबतों में फंसे इंसान को भी बिना कोई हानि उठाए बड़ी सरलता से उससे निजात मिल सकती है, यह कहते हुए जब निखिल और गुरमीत यानी निजात मुक्ति मिल सकती है, और निखिल और गुरमीत की प्रिंसिपल साहिबा ने उनकी पीठ थपथपाई, और तो एक बार वहाँ का पूरा माहौल ही मानो उन दोनों छात्रों की सूझबूझ के प्रति पूरी तरह नतमस्तक हो गया, यानी सिर झुकाने लगा। तो ये है निखिल की सूझबूझ का पाठ। आपको क्या करना है, इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ना है। धन्यवाद।